आपका नव भारती परिवार में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी का पाठ भी जो देखकर भी नहीं देखते। ये एक लेखिका लिखा है हेलेन एडम्स केलर। तो पहले हम इनकी लेखिका का जीवन परिचय हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम पढ़ते हैं हेलेन एडम्स केलर का जन्म 27 जून 1880 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अलबामा प्रांत के संस्कम्बिया नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम आर्थर एच केलर और माता का नाम कैट एडम्स था। जब ये मात्र 1.5 वर्ष की थी, एक गंभीर बीमारी के कारण इनकी देखने सुनने की शक्ति जा चुकी थी। ये ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। इनकी पहली रचना द फ्रॉस्ट किंग 11 वर्ष की उम्र में लिखी गई। 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माय लाइफ लिखी। दुनिया की सभी भाषाओं में इस पुस्तक के अनुवाद हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी इनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। इन्होंने दुनिया भर में घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। ये भारत भी आए 1 जून 1968 ईस्वी को। लगभग 88 वर्ष की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में ही इनका निधन हो गया। तो बच्चों अब हम आगे पाठ पढ़ते हैं। तो बच्चों देखते हैं, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। उनकी जो मित्र थी वो जंगल की सैर पे गई थी और वो जब जंगल से लौटी तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने वहाँ जंगल में क्या क्या देखा। तो उनकी मित्र कहती है, कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ कि उन्हें बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि वो यह सुनती रहती थी, उन्हें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था और वो काम सुन नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर कोई विशेष चीज ना देखे, मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेखिका कहती है, कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जिनकी आंखें होती है वो मेरे अनुसार कम ही वो लोग देख पाते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देते, मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर भी सैकड़ों रोचक चीजें मिल जाती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल, चीड़ का एक पेड़ होता है बच्चों, तो चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदले हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मजब उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो
तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा, मुग्ध यानी मोहित ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को छूते भी नहीं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामक से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष से हरा भरा किया जा सकता है। तो ये लेखिका कहती है इसमें, इस पाठ में लेखिका है जिसने ये लेख लिखा है, वो कहती है कि उनकी आंखें अंधी हैं और वो देख नहीं सकती और सुन नहीं सकती। तो वो कहती है कि जिनकी आंखें होती है वो अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अंधों की बजाय कम देख पाते हैं। और कहती है कि भगवान का जो आशीर्वाद है हमें, प्रकृति की जो दी हुई है हमें आंखें कि हम जो देख पाते हैं सुन पाते हैं, तो हमें उसका भगवान का धन्यवाद हमें देना चाहिए। तो उसमें उनकी लेखिका की जो मित्र थी वो जंगल में गई थी, फिर लेखिका ने उससे पूछा कि यह तुमने जंगल में क्या देखा, तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी खास नहीं देखा। तो उसने कहा कि मुझे तो ऐसी सुनने की आदत हो गई है, क्योंकि वो जो है अंधी है वो देख नहीं सकती, तो उनको ये सब चीजों की आदि हो गई थी। वे छू कर ही सब चीजों का स्पर्श लेती थी, आनंद लेती थी, छू कर ही सब कुछ महसूस करती थी। इस तरह से इस पाठ में लेखिका के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें भगवान ने आंखें दी है, कान दिए हैं सुनने के लिए, हमारा शरीर हमें स्वस्थ बनाया है भगवान ने, ये हमें भगवान का एहसानमंद होना चाहिए। इसके आगे देखते हैं बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं शब्द बोध, परखना, जांच करना, से भ्रमण, अचरज, आश्चर्य आदि, अभ्यस्त, रोचक, रुचि बढ़ाने वाला, खुशनसीब, भाग्यवान, समा, वातावरण या माहौल, मुग्ध, मोहित, कदर, गुणों की पहचान, नियामक, ईश्वर द्वारा प्राप्त दुर्लभ वस्तु। तो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। मनुष्य होगा मनुष्यता, ईमानदार, बालक, बालपन, छटपटाना, शिशु, शैशव, सर्व, सर्वस्व, कुली, कुलीनता,